السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام امتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود الدافع جيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأضاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون سلام آپ حضرات کی مسلسل توجہات کا شکر گزار ہوں اور آپ ہی کی دعاؤں سے باوجود علالت کے مجھے یہ توفیق میسر ہوئی کہ یہ تقریریں آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر سکوں اب بھی دعا کا طالب ہوں ایک دو دن اور باقی ہیں آپ نے سن لیا ہوگا نشتر پارک میں کہ اب پیر کے دن ٹیلی ویژن کارپوریشن کو چھٹی نہیں ہوگی بلکہ وہ شان غریبہ کی تقریر کو ٹیلی کاسٹ کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے غالباً ریڈیو پاکستان سے 8:15 آپ میری تقریر سنیں گے 9:15 تک
और उसके बाद शायद 9:45 या 10 से फिर आप टेलीविजन पर मुझे सुन सकेंगे। मैं नजदीक और दूर के तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस सिलसिले में सही की और ये साबित करने की कोशिश की कि हम मिल्लत से अलग नहीं हैं, खुसूसन हमारी सहाफत और खुसूसन उर्दू रोजनामों ने तो ये वाजह कर दिया था कि रोज़े आशूर फकत शियों के लिए ही अहम नहीं है बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए अहमियत रखता है और इसकी बड़ी अहमियत है। बहरहाल जो भी वक्त मेरे पास रह गया है मैं उसके लिए तौफीकात इलाही का तालिब हूं। इखलास बंदगी के उन्वान पर यहां तकरीरें हो रही थीं। दिल तो चाहता है कि कल की तकरीर में यानी आने वाले कल की तकरीर में एक मुफस्सल गुफ्तगू हो, इस उन्वान पर मगर उस तफसील के लिए भी फिर मुख्तसर सी एक तमहीद चाहिए, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिन आयतों की मुसलसल तिलावत की जा रही है आगाज में वो सूरह जुमर की पहली आयतें हैं। सूरह जुमर कलाम मजीद का 39वां सूरह है। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है हम शुरू करते हैं। किताब का नुज़ूल हुआ है अल्लाह की तरफ से जो ग़ालिब है और हिकमत वाला है। हमने तुझको किताब दी, किताब नाज़िल की तुझ पर पस मुखलिस होकर, इखलास बंदगी के साथ उसकी इबादत की जाए। अलाल्लाह दीनुल खालिस, अल्लाह ही के लिए दीन खालिस है। और वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को वली बनाते हैं अपने इस्तदलाल में ये कहते हैं कि मां नाबुदोहुम, हम उनकी इबादत नहीं करते मगर इसलिए कि वो अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करें और क़ुर्ब दिलाएं, अल्लाह उनके लिए फैसला करेगा जिस बात में वो मुख्तलिफ हैं। इस आयत के सिलसिले में मैं सिर्फ इतनी वजाहत अपने एक एक भाई से और एक एक अजीज से हुस्न समाअत को तलब करके पेश करना चाहता हूं कि इस आयत को अगर कभी किसी ने बेउनवान मजलिस, बेउनवान मातम, बेउनवान ज़रीह, बेउनवान ज़ुलजनाह, बेउनवान जुलूस अगर इस्तेमाल किया हमारे लिए तो वो गलती कर रहा है। इसलिए कि
आयत में एक लफ्ज ने वजाहत कर दी, मा नाबुदहुम, हम उनकी इबादत नहीं करते। हमारे पास बार बार वाज़ह किया गया है कि हुसैन अल्लाह का एक बंदा, हुसैन जलाल और जमाल रसूल का एक मजहर है, हुसैन सिफात रसूल का एक आईना है, हुसैन जिक्र रसूल की बका का जिम्मेदार है, हुसैन रिसालत के एहतराम को बाकी रखने वाला है, हुसैन इब्ने अली ने कर्बला में फकत ये कोशिश की कि एक खुले मैदान में सब जमा हो जाए और वहां एक आवाज दी जाए कि अम्र इलाही, अल्लाह के पास है या आवाम के पास, ये पूछा जाए कि शरीयत इलाही का निगरान मोहम्मद है या आवाम। इसके लिए हुसैन ने डिवीजन कॉल किया। आपको मालूम है ये पार्लियामेंट्री इस्तिलाह है तकसीम तलब की, कि जो हमारे फेवर में है वो इधर आए, जो इसको पसंद नहीं करते उधर जाए, तो इधर कुल 72 आए और उधर हजारों गए। तो हुसैन ने जो तकसीम तलब की थी, डिवीजन कॉल किया था कर्बला के मैदान में, वो मदीने में नहीं हो सकता था, इसलिए कि यहां फकत तकसीम तलब करके घर को आना नहीं था, बल्कि तकसीम तलब करके तलवार भी खींचनी थी। हुर्मत को नाना के रोजे की रखने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा, अल्लाह के घर के एहतराम को रखने के लिए हुसैन ने मक्का छोड़ा। 4 बरस के अंदर यजीद की हुकूमत के कुल 4 साल 60 से 64, और वो भी 60 का दरमियानी हिस्सा, 64 का इब्तदाई हिस्सा, उसमें पहला साल 61 करबला, और उसके बाद किसी ने मदीने को उजाड़ दिया, रौज़े रसूल पे घोड़े बांध दिए, इसी ने खाने काबा में आग लगा दी, इसी ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया, इसी ने आसार इब्राहिमी को जला दिया, यानी जो जरी हो गया था हुसैन को कत्ल करके, उसने न रसूल का एहतराम किया न खुदा का एहतराम। आप समझ रहे हैं, इसलिए अजीजान गरामी, हम हुसैन इब्ने अली को इस मंजिल पर सिर्फ देखते हैं कि एक अल्लाह के बंदे ने कुर्बानी देकर मुल्लुकियत के मुकाबिल में यह साबित कर दिया कि अम्र अल्लाह के लिए है, शरीयत का मुहाफिज अवाम नहीं रसूल है, और फिर शरीयत के मुहाफिज नहीं ना निफाज, शरीयत का एग्जीक्यूशन उसको जारी करना, उसका हुक्म दे, इस बात दे कि जो हराम को हलाल करार दे, हलाल को हराम करार दे, उससे क्या तवक्को हो सकती है कि हराम मोहम्मद को कयामत तक हराम बाकी रखे, हलाल मोहम्मद को कयामत तक हलाल रखे। आपने इस पर इसरार किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा। सवाल बयात ये इसलिए नहीं था कि हुसैन अगर बयात नहीं करेंगे तो बगावत करेंगे, बगावत करेंगे तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा, नहीं। सवाल बयात इसलिए था कि तुम इस बात पर राजी हो जाओ कि जिसको हम हलाल कह दें वो हलाल है, जिसको हम हराम कहें वो हराम है। इनकार किया, इनकार किया और राह हक में इनकार, इखलास बंदगी का कमाल, इखलास बंदगी का कमाल था कि नहीं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ये जिंदगी मुख्तसर है। हुसैन 57 बरस के सिन में इंतकाल फरमा गए, हुसैन की शहादत 57 बरस का सिन, रहते तो 70 बरस के होते, 80 बरस के होते, मर जाते। मगर आज तारीख का धारा क्या होता, सिर्फ एक दिन के कियाम ने इखलास बंदगी के साथ कुछ दुनिया ही बदल दी और इस्लाम बेदार हो गया और कूफा और शाम जाग गए। दमास्कस आज भी बहुत दूर है मदीने से, दमास्कस दमिश्क आज भी कल्चर के एतबार से बिल्कुल अलग है कूफे से, इसलिए कि वो मगरबी असरात का परवरदा रहा और अब भी है। दमिश्क वालों को जिस तरह से कहा गया उन्होंने सुना, लोगों ने यही कहा कि यही बादशाह है, यही हाकिम है, यही शरा का मुहाफिज है, यही हुक्म देने वाला है और यही अहले बैत से है। वो तो ये कहते थे। जब आबिद बीमार गए शाम, जंजीरें पहने हुए, और जब एक ज़ईफ आदमी ने मस्जिद से निकल के पूछा, मस्जिद से निकल के कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खज़लकुम, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुमको रुसवा कर दिया, तुमने एक मुस्लिम बादशाह पर बगावत की, तुमने एक मुसलमान हुकूमत से बगावत की, तो आपने सिर्फ इतना पूछा, तूने वो आयत पढ़ी कुल्ला अलकुम अलैह अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कहा हां, कहा तूने वो आयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम वरिज़्ज़ा अहलल बैत वयुतहिरकुम तथीरा, कहा हां, कहा तूने वो आयत पढ़ी वातज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कहा हां, मगर इन आयतों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, ये आयतें तो अहले बैत के लिए। आपने इरशाद फरमाया नहनो आले मोहम्मद, हम आले मोहम्मद, तो बेख्तियार जो उसने जुमला कहा वो याद रखने के काबिल है। उसने कहा तुम आले मोहम्मद हो, कसम खाओ, तुम कसम खाओ। आपने फरमाया वल्लाही नहनो हूं, अल्लाह की कसम हम आले मोहम्मद। तो फिर कहा कि आप कौन है, का अली, का आपके बाप का नाम, का हुसैन, का हुसैन फातिमा का बेटा, का हां, का मोहम्मद की बेटी का बेटा, का हां, का अच्छा अली इब्नुल हुसैन ये नाखों पे कौन है, ये ऊंटों पर कौन है, का ये मोहम्मद की नवासी, ये मोहम्मद की नवासियां हैं। बस इतना सुनना था। देखिए ये साहिब तबकात इब्न सौद ने इस वाक़े को लिखा है और सारे मुस्लिम मौर्रखीन ने इस वाक़े को लिखा है, मगर यहां से साहिब नासिक ज़ैनबिया ने आगे बढ़ाकर लिखा कि हाथों को जोड़ के कहा कि फरज़ंदे रसूल एक बात अर्ज करूं, ये जो नौक नैज़ा पे सर है ये हुसैन का है ना, हां, का अब आप मुझे इजाजत दें, मैं इस ज़ईफ़ी में तलवार तो खींच नहीं सकता,
मैं ऐसा करूंगा कि इस लश्कर के नीचे पांव के नीचे लेट जाऊंगा ताकि ये लश्कर मुझे रौनता हुआ चला जाए, ताकि कयामत के दिन में अल्लाह के रसूल के सामने ये तो कहूंगा कि मैंने आपकी नवासियों को बेपर्दा नहीं थे। तो आप माफ करेंगे, शाम वो मकाम था कि जहां समझा ये जा रहा था कि हुकूमत ही अहले बैत है, वहां तो हुसैन का कत्ल कर्बला में होकर बहन को भेजना ये बड़ा मशीन है, बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है। यह मिशन ऐसा था कि जिस पर आपने अपने अहले बैत को आमादा किया कि जाके पहचनवाओ, अपने आप को पहचनवाओ, खुतबे दो, खुतबे सुनाओ, ताकि दुनिया जान ले कि आले मोहम्मद कौन है। तो दुनिया उस दिन से जान रही है, अब तक जान गई, अब हम अपना तारुफ करवाते हैं, आप माफ करेंगे। ये सिर्फ इतना कहना कि ये चीखते क्यों हैं, पुकारते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं, नबी गाजियों का तस्करा क्यों करते हैं, तो भाई फकत इसलिए कि अगर एक साल भी अगर हम चुप हो जाएं ना तो फिर कौम भूल जाती है, कौम का हाफिजा बड़ा कमजोर हो जाता है। याद करते हैं इसलिए कि अगर कौम पे फिर कोई वक्त आए तो फिर कोई हो रहा है, फिर कोई हो रहा है, कौम पे कोई वक्त आए तो कोई अब्बास का गुलाम निकले, कौम पे कोई वक्त आए तो फिर अली अकबर का गुलाम निकले। हमारी ईद ही ये है, मैंने बारह अर्ज किया, फिर अर्ज करता हूं, हमारी जो ईद होती है उसमें हम पहली रकात में पांच और दूसरी रकात में चार मरतबा ये दुआ पढ़ते हैं, और दुआ का आखिरी हिस्सा ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरा मा सअलक बिही इबादुक सालिहून व अऊज़ु बिका मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादुकल मुखलसून। परवरदिगार आज इस खुशी के आलम में भीख मांग रहा हूं, मगर वो भीख मांग रहा हूं, वो सवाल कर रहा हूं, वो तलब कर रहा हूं जो सालेह बंदों ने तलब किया, यानी अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो सालेह बंदों ने कहा मांगा वो मुझे दे। और परवरदिगार मैं पनाह मांगता हूं उससे जिससे मुखलस बंदे पनाह मांगते हैं। परसों के तकरीर में और कल की तकरीर में कह चुका कि शैतान आजिज होकर कह रहा था, लअग्वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुखलसीन, सबको बहकाऊंगा, मुखलस बंदों को नहीं बहका सकता। तो मुखलस बंदे ये पनाह नहीं मांगते कि शैतान से बचा ले। जब कभी अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि आप किससे पनाह मांगते हैं, तो आप फरमाते थे नऊज़ु बिल्लाह मिन सुबातिल अक्ल, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि कहीं अक्ल में गफलत ना आ जाए, कहीं अक्ल में गफलत ना आ जाए, कहीं अक्ल गाफिल ना हो जाए। ये है इखलास बंदगी की मंजिल कि जहां इंसान अपने आप को अपने माबूद की बारगाह में फना कर दे। ये जरी, ये ताबूत, ये अलाम, ये सब नशानियां हैं, ये कागज
पीतल, तांबा, चांदी या इस किस्म की चीजें ये इसलिए नहीं है कि उनकी परस्तिश की जाए। एक सिर्फ असर है, असर एक निशान है कि आ रहा है। हर फौज का एक निशान होता है, हर फौज का एक निशान होता है। बल्कि बड़ी बड़ी फौजों में जब तकसीम होते हैं डिविजन्स, तो हर डिवीजन का एक एक परचम होता है। यहां एक अलम आ रहा है, बद्र से आया, उहद में आया, खैबर में आया, खंदक में आया, हुनैन में आया। एक अमल ऐसा अमल इतना जरूरी कि जिसके मुतालिक याद रखने के काबिल यह जुमला है कि हजरत अम्मार यासिर का अमल देखिए कि इस मंजिल पर आकर आप लोगों के लिए शायद महल हिदायत हो कि अम्मार यासिर ज़ईफ़ी के बावजूद सिफ़ीन के जंग में तशरीफ़ फरमा है और यादगार उनका कारनामा है, यादगार अमल है उनका कि एक मरतबा खुतबा दी सिफ़ीन की लौ और कहा सुनो ये हमारा कदीम अमल है कि हम जब लड़े हैं इस अलम के साए में लड़े हैं और तुम जब लड़े हो इस अलम के मुकाबिल आके लड़े हो। ये अम्मार यासिर का अमल था और हम उसी अमल को दोहराते हैं हर साल एक अलम को सामने लाके। अल्लाह अलम, मैंने आपने सुना होगा पटेल पार्क की तकरीर में एक शेर मेरे सलाम का कि अलीयो हमजो जाफर भी थे अलम बरदार, अलीयो हमजो जाफर भी थे अलम बरदार, फिर उनके बाद अलम बन के आ गए अब्बास। अब खुद अलम है, अब्बास अलम है, अब अब्बास अलम है। तो इसलिए इबादत नहीं है, एहतराम के लिए अगर ये पेशानी मस होती है तो वफा का एहतराम है, सिफ का एहतराम है, इखलास का एहतराम है, बंदगी का एहतराम है, उस अजमत शनासी का एहतराम है जहां हकीकत में एक ही इंसान पाया गया 72 के लश्कर में कि फर्जंद भाई जीनत पहलू वफाशार खादिम गुलाम आशिक गुलाम कादिम में देरीना जानिसार फर्जंद भाई जीनत पहलू वफाशार हमदम मुती नमूदार नामदार जर्रार यादगार पिदर फख्र रोजगार सफदर है शेर दिल है बहादुर है नेक है बेमिसल सैकड़ों में हजारों में है। सफदर है शेर दिल है बहादुर है नेक बेमिसल सैकड़ों में हजारों में एक है। ये मीर अनीस है बहरहा अब्बास और आठवीं मुहर्रम ये साथ साथ ये साथ साथ इखलास बंदगी का कमाल, इखलास बंदगी का कमाल। अब्बास थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, बहरहाल
दिल चाहता था कि आज इसी शहजादे के लिए यह मजलिस वक्फ हो और जहां जहां आवाज जाए सब गौर से सुने। 25 बरस का फर्क है हुसैन इब्ने अली में और अब्बास में, 25 साल का। यानी हुसैन इब्ने अली 25 बरस बड़े हैं, उनका 57 बरस का सिन है, इनका 32 बरस का। तो जब वो 25 साल के थे तो एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने तलब करके कहा, हुसैन तुमको पता चला? कहा बाबा क्या है? कहा तुमको अल्लाह ने एक भाई दिया, जाओ जाओ अपने भाई का कुछ नाम रखो, तुम जाके नाम रखो। तो हुसैन इब्ने अली आए, अब्बास को गोद में लिया और गौर से सूरत देखी, फिर बासुओं को बोसा देके कहा, ये अब्बास है, अब्बास। लुगत में मालूम है अब्बास के क्या माने? बिफरा हुआ शेर। अब्बास बिफरा हुआ शेर। कहा ये अब्बास, मेरा अब्बास। लेके बाबा के पास कहा, क्या नाम रखा? कहा बाबा मैंने तो अब्बास नाम रखा। कहा बस बेटे, बस बस, अब ये बच्चा तुम्हारे हवाले, अब ये बच्चा तुम्हारे हवाले। 25 बरस के सिन से हुसैन इब्ने अली ने कभी गोद में, कभी कांधे पर, कभी आवोश में, कभी उंगली थामे हुए, कभी साथ साथ अब्बास को रख। अब अब्बास की निगाह में सिवा हुसैन के कोई नहीं। जिधर हुसैन की निगाह फिरती है अब्बास की निगाह फिर, जिधर हुसैन देखते हैं अब्बास देखते। हुसैन खुश है, अब्बास खुश है। हुसैन जलाल में है, अब्बास जलाल में है। इतनी एकानगत है दोनों भाइयों। आपको मालूम है ये उम्मुल बनीन के बेटे हैं, वो फातिमा जहरा के फर्जंद हैं। मगर मैंने कभी मर्सिये का वो बंद ही पढ़ा था कि जब रुखसत आकर के लिए गए थे हुसैन मां की कब्र पर, तो ये आवाज आई थी, हां बुलाओ मेरा अब्बा से दिलावर है कि ना, वो फिदा है मेरे प्यारे पर मसक्के उस पर, शिकमे गैर से गो है पर वो मेरा है। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजाक, आई जहरा की निदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे है दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले। फजाइल अबुल फजल सुनते जाइए। हजरत सैयद उस्साजदीन बाद वाकए करबला 34 बरस जिंदा रहे और 95 हिजरी में इंतकाल हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। तमाम बुजुर्ग रावी अबू हमजा शिमाली वगैरह वगैरह ये सब असहाब जमा रहते थे और आप नकले रिवायत करते थे कि पिदरे गिरामी ने कहा, पिदरे गिरामी ने कहा, उनसे उनके पिदरे गिरामी ने कहा। अबू हमजा शिमाली बयान करते हैं कि एक दिन ऐसी ही कुछ गुफ्तगू थी कि कमसिन साहबजादा दरबार में आया, इमाम ताजिम को खड़े हो गए, हम सब खड़े हो। जब वो बच्चा बैठ गया इमाम बैठ गए,
मैंने हाथों को जोड़ के कहा, फरजंद रसूल आप इस बच्चे की तादीम करते हैं। कहा मेरे चचा अब्बास का बच्चा, मेरे चचा का बेटा, मैं इसकी तादीम कैसे न करूं, अब्बास का बेटा। इमाम हसन अस्करी जब दुनिया से जाने लगे तो नरगिस खातून आई, कदमों पर गिर पड़ी। कम सिनी में इंतकाल हुआ है इमाम हसन अस्करी का, गिर पड़ी और कहा मेरे सरदार ये चार बरस के बच्चे को लेके कहां जाऊं, तुम्हारा दुश्मन। फरमाने लगे इसी सामर्रे में फुला मोहल्ले में मेरे जद अब्बास के घराने से एक आदमी रहता, उसको जाके कहना जमाने का इमाम है इसकी हिफाजत करना, तो अब्बास की औलाद के जिम्मे कयामत तक अब यही है, कयामत तक अब यही है कि इमामत की हिफाजत। अब्बास अब्बास, फातिमा जहरा से रसूल ने पूछा कि बेटी शफाअत का इंतजाम क्या है इमाम सादिक, शफाअत का इंतजाम क्या है, तो एक मर्तबा कहने लगी बाबा हमेशा आप मुतफक्किर रहते हैं शफाअत के लिए। बाबा आप मुतफक्किर न हो, कफाना लिशफाते यदाने मख्तूआताने लेवलदिया अब्बास, बाबा हमको शफात के लिए मेरे बेटे अब्बास के दो कटे हाथ तक, दो कटे हाथ मेरे बेटे अब्बास, मेरे बेटे वलदिया अब्बास, मेरे बेटे अब्बास के दो हाथ ताकते। वलीद ने बुलाया, हुसैन इब्ने अली जाने लगे तो पहले अब्बास ने कहा आका आपको अकेले न जाने दूंगा, अंदर अकेले न जाने दूंगा। तो इरशाद फरमाया नहीं अब्बास, अली अकबर और तुम बाहर रहो, अब मुस्लिम ने अकील भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार भी है, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम आ जाना। वहां मरवान से झगड़ा हो गया, बात हुई, बात बढ़ गई, आपने पुकार के कहा कि तेरी मजाल है कि तू हुसैन को कत्ल करे, ये आवाज का बुलंद होना था। रावी कहता है कि तलवार को खेत के पहले जो आगे आए तो अब्बास, और एक मरतबा चाहा कि कत्ल कर डाले मरवान को, भाई ने बाजू पहा दे। अब्बास ये मदीना है, अब्बास अब्बास ये मदीना है, सबकी निगाहें अब्बास पर लगी हुई है, सबकी हिम्मतें अब्बास से बंधी हुई है। अरे अब्बास जिंदा है, अरे अब्बास जिंदा है, भतीजी की तमन्ना अब्बास, बहन की आरजू अब्बास, हुसैन की हिम्मत अब्बास, सब कुछ अब्बास। और खुदा की कसम यह मजमा सुन रहा है मोतरिस के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर आज हमारी भी वाहिद आरजू अब्बास, हमारी भी वाहिद आरजू अब्बास। वो भी अल्लाह का एक बंदा है, परस्तिश नहीं की जाती मगर उसका इखलास याद है, उसकी वफा याद है। इखलास बंदगी का उन्वान ये चाहता था कि कोई पैकर इखलास सामने आ, तो पैकर इखलास में या बाप को देखा या बेटे को देखा। अब्बास मेरे शहजादे, सब सफर का वक्त आया, मदीने से चलने लगे, जब पूरा काफिला आगे बढ़ चुका, चाहा कि एक मर्तबा पूरे लश्कर को देख ले, घोड़े को कहवा दिया, नाखों को
नाकों की कतारों को, सामान सफर जिन नाकों पर लदे हुए थे उनको सबको देखा। हुसैन इब्ने अली की खिदमत में आए, सलाम किया, कहा क्या चाहते हो? कहा इजाजत है हम कूच करें? फरमाया बिस्मिल्लाह। वापस आए, सबको इशारा किया, रकाब में पांव रखकर, चाहते थे पुश्त फरश का बुलंद हो। एक मर्तबा बैतु शरफ का पर्दा उठा, कनीज ने आवाज दी, ठहरो मां बुला रही है, ठहरो मां बुला रही है। दौड़े से कूद पड़े, मां की खिदमत में आए, खदमों पर सर रखा, मां ने सर को कलेजे से लगा के कहा अब्बास तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ मेरा पूरा घर जा रहा। उम्मुल बनीन के कुल चार बेटे थे, चारों बेटों को भेज रही है, बड़ा पोता वो भी जा रहा है। अब्बास मैंने जिंदगी भर फातिमा की कनीजी में बसर कर दी, अब तुमसे भी ये तमन्ना है अब्बास कि कोई वक्त आए तो जान को भाई से अजीज न करना, जान को भाई से अजीज न करना। कहा अम्मा आप खुश हो जाएंगी, अम्मा आप मुतमईन हो जाएंगी। मगर अजीब बात थी, जब 20 मुहर्रम को सरकारी इत्तला पहुंची, फकत इतनी कि हुसैन कत्ल हो गए, तो भरी मस्जिद में एक मरतबा खड़े होकर कहा है खतीब क्या मेरा अब्बास भाग गया ना? क्या मेरा अब्बास भाग गया ना? हुसैन कैसे कत्ल हो गए? उम्मुल बनीन जिंदगी भर फातिमा जहरा की कब्र पर जाती रही और यही कहती रही, बीबी मैंने अपना हक अदा किया, मैंने अपने बच्चों को आपके बच्चे पर से सबका कर, और हुसैन ने भी वही एहतराम वही ख्याल रखा भाई का। काश सफर की नीयत से ही कोई करबला जाए, देखे किस शान से दो रौजे हैं, एक हुसैन का रोजा है एक अब्बास का रोजा। एक जगह नहीं है, अली अकबर कब्र में साथ है हुसैन के, अली असगर साथ है, शोहदाए करबला पाईने पा है, मगर अब्बास का रोजा वही दरिया पे है। दरिया पे वसीयत थी भाई लाश न ले जाना, लाश न ले जाना। जानते थे कि 57 बरस की उम्र में 32 बरस के भाई की लाश न उठ सके। रुख्सत ली, मैदान में आए, शाने कता हुए, मश्क को बचाने की कोशिश की। अभी आपने मरसिया सुना, इसमें एक टुकड़ा बिल्कुल हदीस का है। जब शाने कता हो गए तो एक मतलब नजफ की तरफ मुड़ के कहा बाबा मेरी मदद करो, बाबा अब्बास की मदद करो। मगर एक तीर आया, मशकीरा छिदा, पानी बह गया, जैसे मशकीरा छिदा अब्बास गिर पड़ा। गिरते गिरते दो शहीद ऐसे हैं कि जिन्होंने इमाम को मदद के लिए आवाज नहीं दी, एक अली अकबर एक अब्बास, दोनों ने सलाम किया।
السلام علیک یا ابتا، علی اکبر نے کہا، عباس نے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، کیونکہ جان رہے تھے کہ آقا مدد کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. آئے مگر راوی کہتا ہے جیسی آواز پہنچی اور حسین اٹھے اور ایک مرتبہ خیموں کے پردے بھی اڑ گئے، یا علی کہہ کے بیویاں نکلی، تو پلٹ کے کہا خبردار کوئی نہ آئے باہر. خبردار کوئی نہ آئے باہر. ہائے سکینہ بی بی، آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی بی بی جب آپ نے یہ سوچا ہوگا میں نے چچا کو پانی لانے کے لیے بھیجا. خود گئے، ہاتھوں کو جمع کیا، بادامانے ابا میں سرانے پہنچے، آنکھوں کو پوچا، اپنی صورت دکھائی، عباس مسکرانے لگے. کہ کیا بات ہے عباس، کیوں مسکراتے ہو؟ مولا مجھ سے ہمیشہ میری والدہ کہتی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے بھائی کو دیکھ کے مسکرایا تھا، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں، اب قیامت تک یہ تصویر آنکھوں میں رہے گی. مگر مولا ایک درخواست ہے، عباس کیا یہ آخری جملہ کا مولا، میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، اس کو مٹی پر رکھ دیجئے. آپ نے فرمایا کیوں عباس، تکلیف ہو رہی ہے؟ عرض کیا نہیں آقا، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کوئی شہید مرتا ہے آپ اس کا سر زانو پر رکھتے ہیں. میرے مولا تھوڑے دن تھوڑی دیر کے بعد اب آپ گریں گے گھوڑے سے، تو آپ کا سر کس کے زانو پر رکھتے ہیں؟